गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम करण, असिस्टेंट प्रोफेसर एट मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडोरी भगत। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बहुत मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा मज़ा आएगा इसको सीखने में और इसे यूज़ करने में भी। उस टॉपिक का नाम है चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग, देखो चेन, आपने बहुत सी चेन्स देखी होंगी। जो सिविल इंजीनियरिंग की चेन्स है बहुत चेन होती है जो जो मतलब लैंड वगैरह, ज़मीन या कुछ कुछ भी हो जो मेयरमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये इसकी एक इमेज है, इसका एक डायग्राम है, आप इसको ध्यान से देखो। जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनने तो ये काफ़ी बार देखी होगी, क्योंकि जब कभी ज़मीन की मेयरमेंट की जाती है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर उसको मेयर करने के लिए आता है तो उसके पास ऐसी चेन ज़रूर होती है। ये बहुत ही, ये इसका साइज दो तरह की ये होती है। जो इसका पहला साइज होता है वो होता है 30 मीटर का, और सेकंड वाला होता है वो होता है 20 मीटर का। अब प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग डिपेंड करता है ट्रायंगुलेशन पे। मींस किसी भी चीज़ को मेयर करने के पहले हमने उसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना है। मींस अगर कोई स्क्वायर चीज़ है हमने उसको सेंटर में डिवाइड कर लेना है, ट्रायंगल के रूप में बना लेना है, ठीक है। दिस मींस डैट द एरिया ऑफ सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स विच शुड बी वेल कंडीशन, ठीक है। वो जो हमने डिवाइड किए हैं ट्रायंगल वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, मतलब ईजिली हमें दिखाई दे जाए और ईजिली हम उसको मेयर भी कर लें। इन चेन सर्वेइंग द साइड ऑफ ट्रायंगल विच शुड बी वेल कंडीशन, इन चेन सर्वेइंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल बाय मेयर्स डायरेक्टली ऑन द फील्ड बाय चेन और टेप एंड नो एंगुलर मेयरमेंट आर टेकन, ठीक है, समझ आया। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसको देखिए, ये पूरी के पूरी चेन का एक डायग्राम है। इसमें चेन बताई हुई है, उसके लिंक बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको दो तरह की चेन बताई, एक 30 मीटर की है और एक 20 मीटर की है। जो 30 मीटर वाली चेन होती है उसमें 100 लिंक होते हैं, जो ये बताए हुए ना इन्होंने लिंक, 10 लिंक, फिर उसके बाद फिर 10, 10, 10 में डिवाइड किया हुआ है। मीन टोटल नंबर ऑफ लिंक 100 होंगे ये, ठीक है। और उसके बाद एक लॉकेट जैसा, मतलब एक लटक रहा है इसमें बीच बीच में, जिसको हम टैली बोलते हैं। अब ये टैली का क्या मतलब है, ये क्यों इसमें यूज़ की जाती है क्या, ये देखो। अब इसका जो नीचे वाले डायग्राम है उसको ध्यान से देखो। जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें जो टैली की शेप है वो बिल्कुल एक सिंपल सी है, जैसे हार्ड जैसी होती है, ठीक है। सेकंड में उसमें एक कट है, थर्ड में दो कट है, और जो फोर्थ वाला है उसमें 3 कट है, और जो लास्ट वन है उस बहुत पूरा गोल है, ठीक है। ये हमें बताती है, ये जो टैली होती है हर 5 मीटर के बाद एक यूज़ की जाती है। 5-5 के डिस्टेंस के बाद 5 मीटर का डिस्टेंस, फिर 5 मीटर का डिस्टेंस, फिर 5 मीटर का डिस्टेंस, मतलब उसके बाद ये एक एक लगाई जाती है। मीन्स हम डायरेक्ट इसको देख के, इसकी जो शेप है उसको देख के हम बता सकते हैं भी इस जहाँ पर चेन कितने मीटर की हो गई, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला है वहाँ पे 5 मीटर होगी, सेकंड में 10, थर्ड में 15, फिर आगे 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे ऐसे चलती जाती है आगे आगे, ठीक है, समझ आए। और इसके जो सिरे हैं दोनों चेन के, उसमें एक हैंडल टाइप, यानी कि वो पकड़ने के लिए बनाया हुआ है, जिससे हम पकड़ के उसको मेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि चेन सर्वेइंग से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है सर्वे स्टेशन। अब सर्वे स्टेशन क्या चीज़ है,
सर्वे स्टेशन वो चीज़ है जहाँ पे हम जिसको हम मेन पॉइंट यानी कि जीरो पॉइंट मान के चलते हैं, वहाँ से हम अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं और आगे को सर्वे मतलब कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस सर्वे जो इस चेन सर्वेइंग का है वो सर्वे स्टेशन ही है। अब सेकंड वाला है बेस लाइन। अब ये बेस लाइन क्या है, सर्वे स्टेशन हमने सेट कर लिया, जो उस पे जो मेन लाइन चलेगी जो सबसे बड़ी होगी उसको हम बेस लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये बेस लाइन ही हमें बताती है कि इस साइज से उस साइज का डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना हो गया, कितना आगे जा रहा है। सबसे बड़ी लाइन यही होती है। ठीक है, अगर ये आपकी सही बैठी है, सब मतलब आप सही ले जा रहे हो, तो मतलब इसका मतलब है कि जो आपका सर्वे है, जो आपका चेन सर्वेइंग है, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चेक लाइन। अब चेक लाइन क्या है, देखो चेक लाइन नाम से ही पता चल रहा है, चेक लाइन मीन्स कुछ चेक करने के लिए। देखो चेक लाइन क्या होती है, जितने भी हमने सर्वे किया है, जितने हम ट्रायंगल बनाए हैं, जो कुछ भी जितना हमने डिस्टेंस मेयर किया है, सब कुछ ठीक है, इन सब को चेक करना है, मतलब कि ये सही बने हैं या गलत है या कुछ भी है, ये सब कुछ हमें चेक लाइन बताती है कि ये किस ओर जा रहे हैं, मतलब सही है या क्या है या कुछ भी। ठीक है, देखो ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, एक सर्वे मतलब सर्वे मैप है पूरे का पूरा, मतलब जो हमने चेन सर्वेइंग से किया हुआ है। देखो ये पूरे का पूरा एक एरिया बताया हुआ है जिसमें स्टेशन बनाए हुए हैं, सब कुछ ए बी सी डी वगैरह वगैरह। अब देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ी लाइन। अब इसमें सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, सबसे बड़ी लाइन देखो बेस लाइन, सबसे बड़ी जो आपको शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद चेक लाइन। देखो चेक लाइन, चेक लाइन क्या बता रही है, चेकिंग कर रही है अभी, इतने जहाँ से इसका डिस्टेंस सही बताया हमने वहाँ से, मतलब उसको ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है और छोटे छोटे ट्रायंगलों में डिवाइड कर रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, और साथ में वो बता रही है अभी इसके आसपास कौन सा एरिया है, जैसे चेक लाइन आपने बनाई वहाँ पे एक पेड़ था, जहाँ फिर उसके बाद वहाँ पे एक कुआं आ गया, जहाँ फिर कुछ ऐसी खास चीज़ जो आपको याद रखने में मतलब इजी हो कि हाँ जहाँ पे ये चीज़ थी, ये पॉइंट थे, ये वाला था इधर, ये हम इस साइड पे ये था, ठीक है उस साइड पे रोड है, सब कुछ ये चेक लाइन ही बताएगी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान से देखो अच्छे से, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको इसका सबसे मेन पॉइंट बताया था सर्वे स्टेशन। अब सर्विस स्टेशन देखो इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है कि सर्विस स्टेशन हमने कहाँ पे लगाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके लिए ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताया हुआ है कि सर्विस स्टेशन वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे रखिए जहाँ पे चेन सर्वेइंग की जितने भी मतलब उसके बताए हुए हैं, अभी ये चीज़ें फॉलो करनी है, जो भी सब कुछ फॉलो आप आसानी से कर पाए। ठीक है, और इसके साथ ही सर्विस स्टेशन वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपको हर एक पॉइंट आसानी से विजिबल हो, मतलब आप एक जगह पे खड़े हो, आपने मतलब 2 किलोमीटर दूर का एरिया सर्वे करना है, आप वहाँ पे वो पॉइंट लगाइए जहाँ पे आपको आसानी से 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे जाए कि वो वहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, मतलब बीच बीच में कोई भी ऑब्स्टेक्शल्स वगैरह कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है जो वो बता रहा है कि हमें सर्वे स्टेशन वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आप एरिए को इजीली ट्रायंगल में डिवाइड कर पाएँ, वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए जिसको आप इजीली डिवाइड कर पाएँ। ठीक है, समझ में आया। और नेक्स्ट पॉइंट है जो वो बता रहा है कि जो हमारा बेस लाइन है वो सबसे बड़ा होना चाहिए चेन सर्वेइंग में, बेस लाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है, इस बात को ध्यान से समझो और याद रखो। ठीक है, उससे आगे है हमारा जो हमारा जहाँ पे हम सर्वे करने जा रहे हैं वहाँ को जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि
सर्विस स्टेशन वहाँ पे लगाए जहाँ भी अच्छा लेवल हो, वही ना भी कोई ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो वहाँ पे आप सर्विस स्टेशन लगा के बैठ जाओ, नहीं वहाँ पे वेल कंडीशन लेवल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आप सर्विस स्टेशन लगाओ। उसके बाद है जो आपका ऑफसेट्स है, जो आप ऑफसेट वहाँ पे मतलब लगा रहे हो वो क्लोज होने चाहिए, जो एक दूसरे से मतलब आसानी से दिखाई दे जाए, वही ना भी आप 10 किलोमीटर दूर जगह के एक ऑफसेट लगा लो और वो आपको विजिबली ना हो, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो और याद रखो कि ऑफसेट वहाँ पे लगाने हैं जो इजीली विजिबल हो, यानी कि क्लोज क्लोज हो, ठीक है। उसके बाद आपने चेक लाइन भी लगानी है, मतलब आपने बीच बीच में चेक करते रहना है कि जो हम सर्वे कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, ठीक है। मतलब कोई चेक लाइन साथ साथ में ये भी बताती चलती है ना कि हाँ हम ये जो हम ये सर्वे कर रहे हैं उसके पास वहाँ पे कौन सी कोई ऐसी जगह थी जिसको हम इजीली जा रख पाएँ, जैसे कोई ट्यूबवेल आ गया या फिर कोई कोई पेड़ आ गया पुराना जहाँ पे वो खड़ा है, स्टेबल है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो बता रहा है कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस है जब हम चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आसानी से इजीली विजेबल हो और आसानी से हम चेन जहाँ से वहाँ तक ले जा पाएँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।